हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप 12th के बाद क्रिकेटर बन सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी IPL चल रहा है। IPL में बहुत सारे लोग फैंटेसी ऐप बनाकर लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी अपना खुद का ड्रीम इलेवन जैसा फैंटेसी ऐप बना सकते हैं और काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसी कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है किटकैट टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एक फैंटेसी ऐप कंपनी एक्सपर्ट है और ये आपको एक एडवांस एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेगी। ये कंपनी आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 24/7। आप इनको कॉल कर सकते हैं, साथ ही ये आपको डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन तो बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन अगर आपको वर्क फ्री और अच्छा सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर जाके उन्हें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही ये कंपनी आपको सिर्फ एप्लीकेशन भी बना के नहीं देगी, साथ ही आपको ये भी बताएगी इसे कैसे आपको यूज करना, साथ ही ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आपको बताएगी। तो एक कंप्लीट सपोर्ट आपको इस कंपनी द्वारा मिल जाएगा। किटकैट टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन को डेवलप किया है एंड ये बहुत सारी कंपनियों के साथ काम भी कर चुके हैं, जैसे कि बल्लेबाजी, एक्सट्रीम इलेवन, प्रो स्पोर्ट इलेवन जैसी कंपनियों के साथ ये काम कर चुके हैं। अगर और भी आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप इनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, किटकैट टेक्नोलॉजी एक बंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसे IT हब माना जाता है इंडिया में। अगर आप हमारे व्यूअर हैं और आप इंटरेस्टेड हैं फैंटेसी ऐप बनाने में तो आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप यूज करते हैं #cricketwithrajat तो आपको इनका नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में इनकी आपको लिंक भी मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ 12th के बाद क्रिकेटर बनने के प्रोसेस के बारे में, तो जब आप 12th में होते तो लगो लगो आपकी एज 17 से 22 साल के बीच में होती है। और जब आपकी एज इस कैटेगरी में आती है तो आपके लिए क्रिकेट में करियर बनाना काफी ज्यादा हार्ड होता है। वो मैं किस वजह से कह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। 17 से 22 के बीच में अगर आपकी एज होती है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लिमिटेड ही रह जाती हैं। लाइक अंडर 19 का ट्रायल दे सकते हैं और उसके बाद अंडर 23, दो ही BCCI के जो ट्रायल हैं वो दे सकते हैं और इनमें भी आपको काफी कम समय मिलता है। अंडर 19 के लिए अगर आपकी एज 18 है तो आप एक साल के बाद अंडर 19 से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद आपके अंडर 23 स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप अंडर 23 में आ जाते हैं तो आपके लिए आपका जो टैलेंट है क्रिकेट में वो लगो लगो एक रणजी प्लेयर जितना होना चाहिए। अंडर 23 का मतलब आप एक रणजी प्लेयर, तभी आप वहां पे सिलेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं BCCI लेवल के ट्रायल्स में या स्टेट लेवल के ट्रायल्स में। तो इस वजह से इतना हार्ड हो जाता है 17 से 18 से 22 साल की उम्र अगर आपकी हो जाती है जब आप 12th में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब आपको कैसे बनना है क्रिकेटर, क्या प्रोसेस रहने वाला, क्या टेक्निक आपको अपनाने के तरीका रहने वाला, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो अपॉर्चुनिटी है वो तो लिमिटेड ही रह गई है, लेकिन आपको कुछ अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ से बनानी है। लाइक जो टूर्नामेंट हो रहे, बड़े बड़े टूर्नामेंट हर स्टेट में होते रहते हैं, उन टूर्नामेंट में आपको ट्रायल देने हैं, प्राइवेट टूर्नामेंट होते रहते हैं उनमें ट्रायल देने हैं। इन ट्रायल से होगा क्या, अगर आप किसी भी ट्रायल में अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो जो सिलेक्टर होते हैं आप उनकी नजर में आ सकते हैं। मान लीजिए कोई लोकल टूर्नामेंट चल रहा है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका प्रदर्शन वहां पे रहता है शानदार, और कोई भी अगर BCCI लेवल का कोच या कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी नजर आप पर पड़ती है तो आपका वो पक्का सिलेक्शन कराएगा आगे, किसी भी तरीके से वो आपको जरूर प्रमोट कराएगा। तो आपको क्या करना है, हर तरीके का टूर्नामेंट खेलते रहना है। टूर्नामेंट ही नहीं, साथ ही आपको मैचेस भी लगातार खेलने हैं जब आप इस उम्र में आते हैं, क्योंकि मैचेस खेलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम जो मौके हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं। तो बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि वो अपनी बैटिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा काम करें, हार्ड वर्क करें, जितना हो सके मेहनत करें, क्योंकि अगर आपको इस एज में किसी भी दूसरे बैट्समैन को कंपटीशन में हराना है, क्योंकि वो जो दूसरा बैट्समैन वो बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा है, अगर उसे ट्रायल में बीट करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में आपको 8-8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्रिकेट में, तब जाके आप उसे बीट कर सकते हैं। और इंडिया में एज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपको बुरा लग रहा होगा कि ये भाई क्या बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर हो जाती तो आपके लिए क्रिकेट में करियर बनाना काफी ज्यादा हार्ड होता है। मैं आपको रियली सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ और अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ अंडर 19 क्लब के लिए, तो मैं इस वजह से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एज अ बॉलर की, तो बॉलर के लिए थोड़ा आसान होता है 12th के बाद अगर कंपेयर करूँ बैट्समैन से, क्योंकि बैट्समैन क्या बॉलर का होता है, अगर उनके पास अच्छी
स्पीड या स्विंग बॉलिंग स्विंग डिलीवरी से अच्छी अच्छी तरीके से वो बॉल को स्विंग कर पा रहा है या अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर रहा है तो वो ज़्यादा जल्दी चांसेस होंगे उसके बैट्समैन से सिलेक्ट होने के, क्योंकि बॉलर्स की इंडिया में कमी है, ज़्यादातर बॉलर्स इंडिया में जल्दी पिक किए जाते हैं ट्रायल में, और अगर आप ऊपर से लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं तो आप और भी जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। लेफ्ट हैंडर सीमर हैं, इंडिया में लेफ्ट हैंडर सीमर को भी बहुत जल्दी पिक किया जाता है, तो बॉलर्स के लिए थोड़ी एज मैटर नहीं करती है तो वो जल्दी सिलेक्ट, लेकिन बैट्समैन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो मैंने आपको दो चीज़ बता दी कि आप कैसे क्रिकेटर बन सकते, क्या प्रोसेस रहने वाला आफ्टर ट्वेल्थ। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और कैटेगरी जो भी है ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर में भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, तो ऑलराउंडर में भी इतना कंपटीशन अभी नहीं है। अगर आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अगर आपका शानदार प्रदर्शन रहता है कहीं भी आप खेल रहे हैं किसी भी लोकल टूर्नामेंट में या आप BCCI लेवल के ही ट्रायल दे रहे हैं, स्टेट लेवल के ट्रायल देते हैं, अगर आप वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो आप जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। आपकी एज अगर ज़्यादा भी हो रही है 21 साल तो भी आप इजी से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने टैलेंट जो आपका टैलेंट है उससे हटके थोड़ा कुछ करना होगा और उसे भीड़ में नहीं चलना। अगर ट्रायल हो रहे हैं वहाँ पे सब अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं तो आपको जो दिखाना है वहाँ पे कुछ अलग करके दिखाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप 12th के बाद जो वो क्रिकेटर आप कैसे बन सकते, क्या प्रोसेस रहने वाला। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो इधर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, आप वहाँ पे जाके मुझे इसी से कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया।